hello friends welcome to your youtube channel science with devesh this is devesh kumar how are you all uh, i hope you, you and your family are fine so in this series we are discussing the science of class 9th we have already done a chapter and uh, our ongoing chapter is motion uh, in this chapter we have already discussed about some of the topics that what is motion वट इज रेस्ट वट इज यूनिफॉर्म मोशन वट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन ठीक है ना वट इज़ द क्वान्टिटी विच इज़ नोन एज चेंज इन मोशन ठीक है ना चेंज इन मोशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन इसको हम स्पीड बोलते हैं दैट इज वट वी नो ठीक है वी हैव टॉक्ड अबाउट वेलोसिटी द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी ये सभी वो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है फिजिक्स कई बार हमको ऐसा लगता है कि नहीं क्या बोरिंग टॉपिक है कितना मैथ है इसके अंदर न मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इज़ फिजिक्स क्यों है फिजिक्स इंटरेस्टिंग क्योंकि इसमें हमारी जनरल लाइफ आती है जो हम डे टू डे लाइफ में डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं इधर जाते हैं उधर जाते हैं उन सब के रीज़न जो हैं वो फिजिक्स के अंदर आते हैं द फैक्ट इज़ दैट कि हमको जो समझाते हैं वो उस तरीके से नहीं समझा पाते कि वो हमें इंटरेस्टिंग लगे ठीक है या फिर हम जो समझते हैं हमारा ध्यान नहीं होता या हम इधर उधर देखते हैं तो हमें फैक्ट लगता है कि वो इंटरेस्टिंग नहीं है लेकिन दुनिया का कोई टॉपिक कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो इंटरेस्टिंग नहीं है फैक्ट है कि वो हम उसको कितना समझते हैं जिसको हम समझ जाते हैं वो इंटरेस्टिंग लगता है जिसको नहीं समझते वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक विच इज़ चेंज इन वेलोसिटी बड़े ही आराम से एक बात समझो आप एक बाइक चला रहे हो और उस बाइक की स्पीड है थर्टी बाइक की इनिशियल स्पीड है ठीक थोड़ी देर के बाद आपने उसकी स्पीड को बढ़ाया और जो फाइनल स्पीड निकल के आई वो है फिफ्टी अगर मैं पूछूं कि आपकी स्पीड में कितना चेंज आया आपने स्पीड को कितना बढ़ाया आप मुझे आंसर दोगे ट्वेंटी यह आपने कैसे निकाला आपने फाइनल जो वेलोसिटी थी उसमें से आपकी इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया और जो आंसर आया वही क्या था कि जितनी स्पीड आपने इनक्रीज़ करी क्लियर समझ में आई बात अगर मैं स्पीड को 30 से 10 पे पेली आता और फिर आपसे पूछता कि आपकी स्पीड कितनी चेंज हुई आंसर तब भी सेम आता वो क्या आता 20 कि हमारी स्पीड सर कितनी चेंज हुई ट्वेंटी सिर्फ यहां पर क्या आता है? जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल करता फाइनल थर्टी थी तो जो आंसर आता वो माइनस 20 आता लेकिन आप कहते कि सर स्पीड तो कभी माइनस होती नहीं है तो यहां पे माइनस साइन सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि हमारी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो रही है समझ में आई बात तो ये हमने क्या सीखा कि किसी भी बॉडी की अगर स्पीड चेंज होती है देखो मैंने ये नहीं कहा बढ़ती है मैंने कहा है चेंज होती है अब चेंज होने में दोनों बात आती है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है ठीक है तो अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज होती है तो वो हम कैसे निकालते हैं उसकी फाइनल स्पीड में से इनिशियल स्पीड माइनस कर देते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देते हैं और जो डिफरेंस हमारे पास आता है वही हमारा चेंज इन स्पीड होता है क्लियर समझ में आई बात ठीक है तो अगर आप कभी ये चेंज इन स्पीड या फिर चेंज इन वेलोसिटी निकालने लगो तो क्या हम उस चेंज इन वेलोसिटी को कुछ नाम दे सकते हैं क्लियर जैसे अगर आप 50 की स्पीड पे चल रहे हो और थोड़ी देर बाद जब देखा तभी भी स्पीड कितनी है 50 आप एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो आप अपनी स्पीड को चेंज नहीं कर रहे तो आपकी चेंज इन स्पीड कितनी आएगी 50 माइनस फिफ्टी यानी ज़ीरो हमारी स्पीड ज़ीरो नहीं आई हमारी स्पीड में जो चेंज हुआ है वो जीरो आया है समझ में आई बात तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है इसको हम क्या नाम दे सकते हैं ठीक है जैसे अलग अलग चीज़ों को हमने अलग अलग नाम दिए ना कि आ, कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के साथ उसको हमने स्पीड का नाम दिया कितना बॉडी डिस्प्लेसमेंट कर रही है टाइम के साथ उसको हमने किसका नाम दिया किसका नाम दिया उसको हमने वेलोसिटी का नाम दिया तो ऐसे ही ये जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है किसके साथ टाइम के साथ उसको हम एक बहुत अच्छा नाम देते हैं एक्सीलरेशन ठीक है आज तक तुमने सुना होगा भाई अपनी स्पीड एक्सेलरेट करो ठीक है ना लेकिन ये एक्सेलरेट करना सिर्फ बढ़ाना नहीं होता एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज करना किस में चेंज करना वेलोसिटी में और किसके साथ चेंज करना टाइम के साथ चेंज करना समझ में आई बात चेंज इन वेलोसिटी निकालना मैंने अभी अभी सिखाया था कि फ़ाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यू से और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सॉरी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वी से और इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम यू से समझ में आई बात तो ये जो नई क्वांटिटी आई एक्सीलरेशन इसको मैं क्या कह के बोलूंगा कि एक्सेलरेशन इज व्हाट यू व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन तो आप क्या कहोगे सर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम ठीक है ना यह चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम टेकन क्लियर तो ये हमारी क्या होती है एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जैसे स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम वैसे ही एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम लेकिन वेलोसिटी कैसी चेंज इन वेलोसिटी समझ में आई बात ठीक है अब हम एक्सेलरेशन की यूनिट निकाल के देखते हैं यूनिट निकालने का सबसे अच्छा तरीका वेलोसिटी में से वेलोसिटी माइनस करेंगे तो वेलोसिटी ही आएगी ना कोई ऐसा तो है नहीं कि डिस्टेंस आ जाएगा मतलब एक्सेलरेशन में ऊपर भी वेलोसिटी है और नीचे क्या है टाइम क्लियर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मुझे पता है क्या होती है मीटर पर सेकेंड ये तो वेलोसिटी की हो गई नीचे एक और चीज़ है टाइम तो टाइम की क्या हो गई वन डिवाइडेड बाय एक और सेकेंड आ गया तो इस सेकेंड को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर इसका मतलब हमारी जो यूनिट बनी वो क्या बनी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं मीटर सेकेंड की पावर माइनस टू ये भी हमारा तरीका ठीक है ठीक है तो एक्सेलरेशन क्या होता है इट इज़ डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समझ में आई बात अभी अभी मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है क्लियर तो अगर नेगेटिव वेलोसिटी आती है तो इसका सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है भाई हमारी जो वेलोसिटी है हमारी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है क्या हो रही है डिक्रीज अच्छा अब एक और चीज़ समझते हैं वो क्या समझने वाले हैं हम देखो पहले तुम चल रहे थे दस की स्पीड से ठीक है तुमने पाँच मिनट बाद नोटिस किया भाई तुम्हारी स्पीड कितनी हो गई ट्वेंटी और पाँच मिनट बाद नोटिस किया स्पीड कितनी हो गई थर्टी और पाँच मिनट बाद नोटिस किया स्पीड कितनी हो गई फोर्टी और पाँच मिनट बाद नोटिस किया स्पीड कितनी हो गई फिफ्टी अब ज़रा ध्यान दो ट्वेंटी से थर्टी स्पीड करने में हमने कितना चेंज किया वेलोसिटी में थर्टी माइनस ट्वेंटी यानी टेन ठीक है थर्टी से फोर्टी करने में कितना चेंज किया फ़ोर्टी माइनस थर्टी टेन फोर्टी से फिफ्टी करने में कितना चेंज किया फिफ्टी माइनस फोर्टी यानी टेन पहला चेंज करने में पाँच मिनट लगे दूसरा चेंज करने में भी पाँच मिनट लगे और तीसरा चेंज करने में भी पाँच मिनट लगे ठीक है तो क्या हो रहा है अगर चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम के साथ इक्वली चेंज होती है कि व्हेन देयर इज़ अ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है टाइम इंटरवल पाँच पाँच मिनट का है और वेलोसिटी में जो चेंज है वो भी सिर्फ दस दस का हो रहा है ठीक है तो इफ़ द चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल विद चेंज इन टाइम ठीक है ना तो चेंज इन टाइम है वो भी क्या है इक्वल तो इसको हम क्या कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन अगर यहां पर 10 की जगह 20 होता यहां 10 होता और यहां 100 होता यहां 5 की जगह पर 10 होता 5 की जगह पर 7 होता 5 की जगह पर 15 होता तो हम क्या बोलते वैन चेंज इन वेलोसिटी इज अन एंड द टाइम इंटरवल कैन बी इक्वल और अनइक्वल तो इसको हम क्या कहते नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आई बात सिंपल बात है अगर चेंज जो हो रहा है वो टाइम के साथ सेम है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ सेम नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है क्लियर तो यहाँ पर दो टाइप की हमने एक्सेलरेशन करी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर एक्सीलरेशन क्या होती है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम टेकन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है वेन देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है वैन देयर इज अन एकक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल और अन एकक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ये सारी की सारी क्या हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्लियर तो ये दो हमने किए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजिशन स्टेशनरी पोजिशन का मतलब वो रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी जीरो है राहुल राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल बाइसिकल अपनी पे पैडल मारता है और वो क्या करता है कितनी वेलोसिटी अटेन कर लेता है छ मीटर पर सेकेंड की समझ में आई बात और ये वेलोसिटी अटेन करने में उसे कितना टाइम लगता है थर्टी सेकेंड लगते हैं फिर उसके बाद वो ब्रेक सप्लाई करता है समझ में आई बात ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद जो स्पीड है वो चार मीटर पर सेकंड हो जाती है कितने सेकंड में नेक्स्ट पाँच सेकंड में समझ में आई बात तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जीरो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी टी उसने एक्सेलरेशन निकालने के लिए कहा है दोनों केस में टाइम कितना था थर्टी सेकंड पहला जो केस है वो उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम चेंज इन वेलोसिटी कितनी है वी माइनस यू यानी फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल कितनी थी पहले केस में सिक्स और इनिशियल कितनी थी ज़ीरो तो सिक्स माइनस जीरो डिवाइडेड बाय थर्टी ये मेरा आ गया फर्स्ट केस में एक्सीलरेशन और सेकंड केस में जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो बाइक चला रहा था तब उसकी वेलोसिटी छः थी थोड़ी देर बाद उसने ब्रेक्स लगाए और उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई चार और छः से चार होने में कितने सेकेंड लगे पाँच तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी फोर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी सिक्स और टाइम कितना लगा फाइव तो फोर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय फाइव बेटा ये कितना आएगा माइनस टू बाय फाइव ठीक है इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस जीरो पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब ये जो माइनस साइन है ये सिर्फ और सिर्फ हमें क्या दिखाता है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हुई है और कुछ नहीं दिखाता ठीक है तो पहले केस में जो एक्सेलरेशन आई थी वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी और दूसरे केस में जो आई वो 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है क्लियर तो ये दो टॉपिक्स हमने किए एक हमने एक्सेलरेशन के बारे में देखा और दूसरा हमने चेंज इन एक्सेलरेशन के बारे में देखा नेक्स्ट टाइम बेटा जब भी हम मिलेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी विल मेक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ठीक है तो बड़े अच्छे से और बड़े प्यारे तरीके से हमने आज एक्सेलरेशन को समझा कि एक्सेलरेशन क्या होता है ठीक है ना तो आगे आपको क्या करना है इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन ठीक है बेटा शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज सून एज पॉसिबल एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक एनी थिंग अबाउट द वीडियो और यू हैव एनी सजेशंस थैंक यू